ऑफ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से मोदी साहब एक बिल बना दिए है, मैं तो इससे कोई मुझे डरता नहीं हूँ, क्योंकि ये क्या करते देखेंगे। ये पूरा जो है अवकाफ को खत्म करना चाह रहे हैं मोदी कुछ, इससे मेरा सिर्फ यही दरखास्त है, हम पूरा उनका साथ देंगे। जितने गवर्नमेंट के अंदर वक्फ की जायदाद है वो वक्फ को वापस दे दे पहले, ये बिल पास करने के पहले आप जितने गवर्नमेंट में, चाहे हिमाचल में हो, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, जहां जहां औकाफ की जायदाद गवर्नमेंट के पास है वो गवर्नमेंट वापस दे दे पहले, मोदी वहां से काम शुरू करे, फिर उसके बाद जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम उलमाए कराम से बातचीत करके उनसे मशवरा लेके जो है कोई तरमीम करना है तो करना आगे बढ़े। इस बिल से सबसे ज्यादा खतरा क्या है? खतरा इसमें इतना ही है कि गवर्नमेंट इस पर काबिज होना चाहती है और नॉन मुस्लिम को इसमें मेंबर बनाना चाहती है। भाई मुजराए में कोई मुसलमान मेंबर नहीं बन सकता, तो फिर यहाँ वक्त पर नॉन मुस्लिम कैसे मेंबर बन सकता है? ये सिर्फ शरारत है इश्काना के जो है खुजाना, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते मोदी हर चीज में फेल हुए है। अब ये एक जो है मुसलमानों को दिखाकर जो है बकरी को बंद को शेर का शिकार करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मोदी को सिर्फ यही कहता हूँ कि बादल से डरने वाले आसमान नहीं है, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा 14 साल आपकी जाने से क्या पड़ रही है सर के बिल के खिलाफ? पहले के देगी, पास होने के बाद मैदान में उतरेंगे, मैदान है तैयार है। तो जो है पहले मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को चाहिए कि तमाम मकतबे फिक्र के लोगों को बुलाए, देवबंद, बरेलवी, आले हदीस, सबको बुलाए, तमाम की राय ले। ये काम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कर नहीं रही है, उनको करना चाहिए। जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड सुनने समझती है, अब केरला के अंदर एपी रोकर मुस्लियात इंटरनेशनल आलिम है, मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर आके गया उनके पास और स्पेशल हवाई जहाज देके इनको मलेशिया बुलाया, मलेशिया का सबसे बड़ा अवार्ड एपी रोकर मुस्लियात को दिए, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्यों इनसे नहीं रब्ता करती कि भाई आप दायरा महदूद मत कीजिए। अलीमिया नदी रहमतुल्लाह अलैह जब थे तब सबसे जो है मशवरे होते थे, लेकिन आज जो है, अब मैं भी हिंदुस्तान का मिनिस्टर रहा, आज तक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ऑफिस कहाँ है ये बहुत ना हम ना भूले ना पूछे। तो इसमें जो है खैर हमें अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह की रजा के लिए हम कर रहे हैं, किसी को रजा करने की जरूरत नहीं है। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को तौफीक दे, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़े और जो है अल्लाह का खौफ, हुजूर की मोहब्बत आगे बढ़े, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। बुलंदी है माशाल्लाह, आज फिरका परस्तों का शुक्र गुजार हूँ, ये एक बाबरी मस्जिद है गिरी, लाखों मस्जिदें उठ गई, ये एक मस्जिद गिरी, लाखों मस्जिदें उठ गए। इसलिए इस कौम के अंदर जज्बा है, इस कौम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का खौफ है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, इसे कायम और दायम रखें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रियासत कर्नाटक के अंदर यही माहौल और ज्यादा पैदा हो, अल्लाह के हवाले हो जाए, जो अल्लाह के सामने झुकता है सारी दुनिया उसके सामने झुकती है, जो अल्लाह से डरता है सारी दुनिया उससे डरती है। बस इन दो चीजों को हम रख ले, दुनिया हमारे मातहत हो जाएगी, दुश्मन भी हमारा दोस्त बन जाएगा।